भागो भागो नहीं कहा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है पकौड़ी पकौड़ी। अच्छा विवान विवो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। विवो कितने ही अर्थ का हो गया। विवान ही बचे हैं। नई पार्टी खुद ही रख ली। मैम क्या कह रही थी? अच्छा ये बता दो। साक्षी हो रही थी तबीयत खराब, बोली मेरे लिए फोन चढ़वा दो। मैंने फोन तो नहीं चढ़वा रहा तुम्हारे लिए, मौसमी का जूस। वेरी नाइस वेरी नाइस। वाओ अच्छा लगा। ठीक है और क्या करोगे आज आप? मैंने खाना नहीं खाया, एक रोटी नहीं खाई। तीज भी आपने देखा होगा ऐसे ही चली गई इसी चक्कर में। ब्लॉग स्टार्ट कर दो विमान। हेलो गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होगे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। मैं बिल्कुल स्वस्थ नहीं हूँ। ब्लॉग के टाइम पे आवाज़ निकल रही है वो बात अलग है, बीमार हूँ इस समय में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बारिश का आनंद लेते हुए नवाबगंज टूर पे। और नवाबगंज हम क्यों जा रहे हैं आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि हम नवाबगंज क्यों जा रहे हैं। पकौड़ी वकौड़ी खाएंगे रस्ते में मारे। अरे नहीं खाने पीने पहले सोच लिए। तबीयत खराब है ना तो कुछ खिलाओ। तो गाइस नवाबगंज सीओ साहब के पास आए हुए थे और वो अचानक चले गए। उपचुनाव वगैरह हो रहे हैं यहाँ इसलिए वो थोड़ा बिजी हैं, लेकिन हमारा काम हो गया। जो हमारा जो मेन उद्देश्य था वो हो गया, क्योंकि जो हम पे मुकदमा नहीं, वो हम पे नहीं, हम जो मुकदमा लिखवाना चाह रहे थे हरिंदर पे, उसमें झूठी जाँच झूठी आख्या लगा दी थी एक दरोगा जी ने। तो उनकी हमने शिकायत कर दी थी ADG साहब से, तो उसमें हमारे कुछ बयान वयान पंजीकृत होने थे, तो हम इसलिए आए हुए थे। वीडियो में साक्षी ने शायद नहीं बताया होगा आपको, लेकिन मैंने बता दिया। तो बयान हो गए और बारिश बारिश हुई है यहाँ पे, अब फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं। तो आप पहली बार आई हैं डीओ नवाबगंज सर के ऑफिस, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छी लोग अच्छा स्टाफ है यहाँ का, अच्छा व्यवहार है, कोऑपरेटिव, ऐसा ही होना चाहिए ना सब जगह। जनता की सुननी चाहिए, समस्या का निस्तारण तुरंत करना चाहिए। बहुत ग्रीनरी ग्रीनरी भी है यहाँ पे पीछे तो चंदा चंदा सा हो रहा है। चंदा चंदा हम किस काम से आए हैं वो तो बताओ। मैंने बता दिया, आप भी बता दो। बयान नोट करवाने आए थे हम जैसे आम जनता को लोग सुनते नहीं है ना, तो उनकी शिकायत करने आए थे यहाँ पे। आप लोगों का भी पूरा अधिकार है, जागरूक रहिए और शिकायत करते रहिए, जो आपकी नहीं सुनना है उनकी। बस तो दोस्तों ये अजितेश ले आए हैं पकौड़ी, नवाबगंज की पकौड़ी। अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है पकौड़ी। अच्छा विमान भी पकौड़ी का आनंद लेंगे, बारिश बारिश का मौसम हो ही रहा है तो पकौड़ी का तो आनंद लेना बनता है भाई। आज खाना बताते क्या है? मम्मी तुम्हारी पहचान दिए आज आज तो लगे मेरे तो लगे है छह पे हैंड पे होटल पे होते लगे आज क्या सुनाओ भाई साहब तुम्हें। आज मम्मी खाना बनाएगी। बाय बाय गाइस। किससे बात कर रहे हो? पापा से। क्या कह रहे थे? पापा कह रहे थे आ जाओ फिर से बात करो। पापा हाँ हाँ पापा क्या कह रहे आ जाओ तुम कहते सुनो। मम्मा कहाँ गई थी जब तुम पापा साथ गाड़ी में बैठे थे? तो कहाँ गई थी मम्मा? शिकायत करने। किसकी? हरे सुनाए के। कहाँ पे? उधर। कहाँ उधर? सामने। हाँ। तो दोस्तों हम लोग आ गए थे बर्गर किंग बर्गर लेने,
एकदम से हुड़ा कुठी बर्गर खाने का मन कर रहा था मेरी तब मैंने दो तीन दिन से खाना नहीं खाया प्रॉपर ठीक से, तो मेरा मूड स्विंग हुआ कि मुझे बर्गर खाना है, तो बर्गर मिल गया। वीवो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। वीवो कितने ईयर का हो गया? दो साल का। दो साल इन्हें घटा दी अपनी। फोर इयर्स का हो गया मेरा विमान। अभी उल्टी क्यों रख दी तूने? वो उल्टी नहीं रखी, विमान को दे दिया उधर वाला। गाइस विमान का बर्थडे है 9 अगस्त, 12 बज चुके हैं। हैप्पी बर्थडे वीवो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ओह शर्मा रहे हो, माय गॉड। हेलो बर्थडे बॉय, मेरे हाथ से केक खा लो। अब तुम उसकी वो कटवाना। चलो दोस्तों, मैंने ये विमान के लिए पेस्टी मंगा ली थी। हैप्पी बर्थडे वीवो। ओह माय गॉड, हैप्पी बर्थडे। तुम छोटा सा कपकेक लेके आते हो उसके लिए? अरे यार जो मिला वो ले आ, रात हो रही थी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। क्या हो गया डैडी? लो कट कर दो इसको। चलो काट दो, काट दो, रियल वाले चाकू से काटो। लोग क्रेडिट कार्ड से केक काटते हैं, तुम रियल चाकू से केक काटो। क्या हो गया? लो कच्ची को हैप्पी बर्थडे करेंगे ना फिर हम। काटो। क्यों भी वो? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वीवो, हैप्पी बर्थडे। परेशान नहीं कर भागो 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 नहीं कहा नहीं लो और खाओ, सही से खिलाओ। चॉकलेट चॉकलेट वो अपने आप खा लेगा, तुम खा लो, तुम खा रहा। तुम रियल चक्कू है ये। रुको रुको, मैं उसको कटोरी में दे दूंगी, खाएगा तो खुद ही ले लेगा, उसे चॉकलेट खाने दो। वेरी नाइस, ये भी है। सुबह तो गाइस मैं उठ नहीं पाया, वीवो बहुत कहते रहे कि डैडी मुझे स्कूल छोड़ा, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ गया था, दोबारा आँख लग गई तो इच्छा नहीं कर रही थी। आज स्कूल भी छोड़ने नहीं गया था, फिलहाल उसको लेने जा रहा हूँ। ये गाड़ी साफ करने आता है ना तो ये वाइपर ऐसे खड़े कर जाता है, ये शायद उसकी पहचान है कि हाँ मैं आया था गाड़ी साफ करने। गाइस ये सड़क कई वर्षों से ख़राब थी, वो पड़ रही है, इसलिए गाड़ी उधरी लगानी पड़ी। ये वाली भी पड़ेगी शायद, दीवान ही बचे हैं। कुछ कह रहे हैं, बैठ जाओ। गाइस विवान का जन्मदिन मनाया गया था तो इन्होंने टोपी लगाई नहीं, तो मैंने लगा ली क्योंकि मैम ने टोपी दी थी। वीवो तो बताओ कैसा रहा, क्या रहा? अच्छा रहा, एंजॉय किया बर्थडे? टोपी भी बांट दी थी? नहीं बांटी, खुद ही रख ली। मैम क्या कह रही थी? अच्छा ये बता दो, मुझे टॉफी दे दो तो आपने दी नहीं। गंदे बच्चे। गाइस लाल बत्ती हो रखी है, और गाइस हमें कमेंट करके बताना नोएडा वाला रास्ता खुला हुआ या नहीं, क्योंकि हमें संडे वाले दिन साक्षी ने प्रोग्राम बना दिया है नोएडा का, तो रास्ता खुला है या नहीं उधर के लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। तो आपके लिए तो मंगाया है बड़ा, लो स्ट्रॉबेरी है इसमें। गाइज साक्षी हो रही थी तबीयत खराब, बोली मेरे लिए फोन चढ़वा दो, मैंने फोन तो नहीं चढ़वा रहा तुम्हारे लिए, मौसमी का जूस ले आ रही हूँ, वो सॉरी अनार का। तो विवान बोले मैं भी पीऊँगा, तो ये भी पी रहे हैं, लो भी पियो। गिराना मत बस, मुझे पकड़ना पड़ेगा मुझे लग रहा है, वरना तुम गिरा ही दोगे गाड़ी में, लेतन कर दोगे। तो दोस्तों विवान आ गए स्कूल से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके, और विवान को स्कूल में कार्ड भी मिला है, हैप्पी बर्थडे विवान। देखो कितना प्यारा सा है ये, अंदर भी दिखाओगे? ओके दिखा दो, आप दिखा दो। ओके दिख ही नहीं रहा है बाबू। हाँ ऐसा ही से दिखाओ,
ऐसे वेरी नाइस वेरी नाइस वाओ अच्छा लगा। ठीक है और क्या करोगे आज आप? दोस्तों मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं पीड़िया वगैरह लगाती हूँ बच्चे की, टीका वीका करूँगी और कच्चा दूध पूए कुछ नहीं कर पाई हूँ। अभी वो मानसी आ रही है तो वही हेल्प कराएगी। हाँ ईशिका आ रही है तभी वही हेल्प कराएगी, तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। आज मैंने इसको ऐसे स्कूल भेज दिया था रेडी करके और बहुत बुरी हालत हो गई है, इतना सर दर्द कर रहा है, इतनी वीकनेस हो रही है। एक ग्लास अनार का जूस भी पी चुकी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उससे कोई भी। यार मुझे नहीं खा मिल रहा, वॉमिट वॉमिट सा लग रहा है, बहुत वीकनेस हो रही है। 4-5 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, एक रोटी नहीं खाई। तीज भी आपने देखा होगा ऐसे ही चली गई इसी चक्कर में, लेकिन हिम्मत करके आज तो काम करना ही है क्योंकि विमान का बर्थडे है। चलो अब वीडियो को कर देते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ विमान का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आप लोग ब्लॉग को इन्जॉय करिए, यूँ ही हमें सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। और जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए वीडियो। लाइक करेंगे ना वीडियो तो रीच जाएगी सही वीडियोस की, तो लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। बाय गाइज, लव यू ऑल, बाय।